हेलो गाइस वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है गाइस आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ जो आप कल कल आने की तीस अप्रैल 2024 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते हो तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हो तो उससे पहले अपने जो संडे को जो स्विंग ट्रेड दिए थे उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो उसमें पहला स्टॉक था इंडस इंडिया बैंक जो क्लियर कट बोला था ओपन प्राइस पे ही पॉजिशन बनानी है तो आज का ओपन प्राइस था फोर्टीन के आसपास था अभी कितना चल रहा है फोर्टीन हंड्रेड एटी सेवन के आसपास चल रहा है तो वो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया दूसरा स्टॉक था एम एफ एस एल जो क्लियर कट बोला था कि ओपन प्राइस पे बाय करना है अ स्टॉप लॉस ऑफ से का तो उसमें अपना स्टॉप लॉस हो गया था क्यों हो गया था क्योंकि वहां पे हमने रिवर्सल का वेट नहीं किया था और वहां पर रिवर्सल एरिया था लेकिन वहां पर सीधा स्टॉक नाइन सेवनटी टू का लो मार दिया इसीलिए अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस टिकर हो गया के वन 34 के ऊपर बाइंग था तो आज का हाई था का हाई था तो फोर पे, तो पे भी अपना हो गया। अपने आज दो में हो एक स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया बाकी के दो स्टॉक जेके सीमेंट जो बाय डिप बोला था चार के लेवल के आसपास बाय करना था लेकिन वो स्टॉक वहाँ तक आया ही नहीं है तो अभी भी अगर कल स्टॉक चार के आसपास आता है तो उसमें आप पोजिशन बना सकते हो इन इनवैलिड हो गया क्योंकि एक हजार चौबीस के ऊपर बाय बोला था लेकिन स्टॉक ऊपर की जब जगह पहले नीचे चला गया तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो गया तो एक कल का परफॉर्मेंस है अभी अपने चलेंगे तीस तारीख के चार ट्रेड जिसमें अच्छी रैली आ सकती है उससे पहले गाइज आपको करना क्या है डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है यहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कुछ भी अपडेट होगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता रहेगा अभी अपने चलेंगे पहला स्टॉक जो कल पोजीशन बना सकते हो तो पहला स्टॉक का नाम रहेगा मुथूट फाइनेंस यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस स्टॉक का नाम है डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे तो आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक कर क्या रहा है यहाँ पे देखोगे तो बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है यानी कि ये स्टॉक का क्या हो गया सप्लाई जोन हो गया देखो यहाँ पे भी ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन क्लोज कहाँ पे दिया नीचे की साइड दिया तो स्टॉक का सप्लाई जोन कितना है 1685 से लेके 1702 का 1702 तक का सप्लाई जोन है तो और आज भी देखोगे तो स्टॉक ने इनसाइड बार बना है तो अभी कल समझो कि स्टॉक ये हाई अगर ब्रेक करता है फ्राइडे का जो भी हाई है तो स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिल सकता है और ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस रह सकता है अभी कितना है सिक्सटीन हंड्रेड नाइनटी एट के आसपास है तो अभी आपको कुछ नहीं करना वेट एंड वॉच करना है लुक्स गुड अब सत्रह सो अठारह यानी कि सेवनटीन हंड्रेड एटीन के ऊपर आपको पोजीशन बनानी है विद लॉस ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड एटी फाइव का आपका स्टॉप लॉस रहेगा आप साइड में एटीन हंड्रेड के टारगेट भी एक से तीन दिन में स्टॉक दिखा सकता है लेकिन आपको वेट एंड वॉच करना है जो भी फ्राइडे की कैंडल थी उसका हाई ब्रेक करेगा तभी बाय करेंगे और आज की कैंडल का लो अपने स्टॉप लॉस बनाएंगे क्योंकि यहां से स्टॉक को अगर रिवर्स मारना है तो यहां से ही मारेगा अदरवाइज स्टॉक स्ट्रांग होगा तो ऊपर चला जाएगा और ये अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा तो ये अपना पहला स्टॉक होगा जिसमें अच्छी रैली आ सकती है लेकिन आपको वेट एंड वॉच करना है उसके बाद ही पोजिशन बनानी है अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका दाम रहेगा हिंद पेट्रो हिंद पेट्रो में क्या हो सकता है आपको क्लियर कट यहाँ पे क्या दिख रहा है वो अपने देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक अब ट्रेंड में चल रहा था उसके बाद कंसोलिडेशन में चला गया है यहाँ पे देखोगे तो उसके बाद सपोर्ट लिया सपोर्ट उसका ब्रेक डाउन हो गया तो अभी जो भी है सपोर्ट एरिया था उसका क्या हो गया रिजेक्शन का काम करेगा देखो स्टॉक यहाँ से नीचे आया यहाँ से भी नीचे आया लेकिन फाइनली स्टॉक ने आज क्या किया है आप ध्यान से देखोगे तो उसका जो भी सप्लाई जोन था उसके ऊपर अच्छे से क्लोज दिया है तो ये पहला साइन हो गया कि स्टॉक ने सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज दिया यानी कि स्टॉक ने ट्रेंड रिवर्सल दे चुका है अभी स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है और आज का ब्रेकआउट कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस हो सकता है तो अभी सी एम पी कितना है पांच सौ पांच के आसपास है तो आपको करना क्या है लुक्स गुड एट ओपन प्राइस यानी कि कल जो भी ओपन प्राइस पे एंट्री होता है तो वहां पे आप पोजीशन बना सकते हो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आज का क्लोजिंग प्राइस है उससे एक परसेंट की रेंज में ज्यादा अप होना नहीं चाहिए यानी कि पांच सौ पांच पॉइंट पैंसठ प्लस वन परसेंट तब तक आप पोजीशन बना सकते हो अगर स्टॉक पांच सौ बीस पे ओपन हो जाता है सीधा अप ज्यादा हो जाता है तो आपको वेट करना है कि वो रेंज में आए फिर पॉजिशन बना सकते हो नीचे की साइड तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है समझो की पांच सौ भी ओपन होता है तो भी अच्छी बात है आपको सस्ते में स्टॉक मिल जाएगा तो आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना है फोर का आपको स्टॉप लॉस लगाना है अप साइड में 530 यानी कि 530 के टारगेट एक से तीन दिन में स्टॉक दिखा सकता है क्योंकि स्टॉक का क्लियर कर जो भी उसका यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कंसोलिडेशन के बाद अभी ऊपर जाने के लिए स्टॉक रेडी है तो अपना दूसरा स्टॉक हो गया जिसका नाम है हिंद पेट्रो जिसमें अच्छी रैली आ सकती है आपको करना क्या है ओपन प्राइस पे पॉजिशन बनानी है अभी गाइज मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है ग्रेन्यूल्स ग्रेन्यूल्स आपको याद होगा गाइज आज से एक महीने पहले शायद यहाँ पे 405 के आसपास बाइंग बोला था उसके बाद स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई अभी हो जाता है सप्लाई जोन डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है तो जैसे ये रेंज में आता है बाउंस बैक करता है तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक का अभी सीएम कितना चल रहा है 420 के आसपास चल रहा है और नीचे से आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो अभी ंग का एक बार सपोर्ट दूसरी बार सपोर्ट और यहाँ पे तीसरी बार भी उसका ट्रेनलिंग का सपोर्ट आ रहा है तो अभी आपको करना क्या है स्टॉक को गिनने देना है क्योंकि स्टॉप लॉस अपने इसको बनाएंगे किसको ये जो नीचे की लाइन चार सौ का लेवल उसको स्टॉप लॉस बनाएंगे अभी स्टॉक थोड़ा महंगा है तो ये क्या दो दिन वेट करना है स्टॉक में गिरावट आती है चार सौ दस के आसपास वहां पे आपको पोजिशन बना सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ फोर हंड्रेड और आराम से आपको चार सौ चालीस के टारगेट आने वाले एक से तीन दिन में स्टॉक दिखा सकता है लेकिन वो कब दिखाएंगे जब आपका कॉल एक्टिव होगा समझो कि कल की जगह थर्सडे या फ्राइडे को <coughs> क्योंकि वेनसडे को मार्केट में छुट्टी है तो थर्सडे को समझो कि स्टॉक 410 का लेवल दिखाता है तो उसके बाद आपको तीन दिन काउंट करना है तो अपना तीसरा स्टॉक हो गया ग्रेन्यूल से आपको गिरावट पे पोजीशन बनानी है अभी गाइज मैं आपको चौथा स्टॉक बताऊंगा जिसमें अच्छी रैली आ सकती है तो स्टॉक का नाम हो सकता है यहाँ पे देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक का नाम है डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे स्टॉक का ये क्या हो गया सप्लाई जोन हो गया उसके बाद ये ब्रेकआउट कैंडल हो गया ब्रेकआउट के बाद डिमांड जोन फिर से डिमांड जोन और अभी स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी थोड़ा महंगा है क्योंकि अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाएंगे और नीचे से देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है तो अभी आपको कुछ नहीं करना स्टॉक को ये क्या दो दिन वेट करना है नीचे के साइड गिरने देना है ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो वहां पर आप पोजिशन बना के फिर से स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है अभी सीएम कितना है टू जीरो सिक्स टू के आसपास है दो हजार बासठ के आसपास है तो लुक्स गुड ऑन डीपेंटी थर्टी यानी कि दो हजार तीस तक स्टॉक को गिरने देना है वहां पे आपको पोजीशन बना सकते अच्टौक लोस अच्टौक लोस अच्टौक लोस अच्टौक लोस हो विदलॉस ऑफ नाइनटीन हंड्रेड एटी का उन्नीस सौ अस्सी का आपका स्टॉप लॉस होगा अब साइड में ट्वेंटी वन हंड्रेड के टारगेट आने वाले एक से तीन दिन में स्टॉक दिखा सकता है एक से तीन दिन काउंट होगा जब से आपका कॉल एक्टिव होगा समझो कि कल की जगह थर्सडे को 2030 का लेवल आता है तो वहां से आपके तीन दिन काउंट होंगे तो महिंद्रा महिंद्रा को बाय करना है लेकिन गिरावट में बाय करना है उससे अपना रिस्क रिवर्ड थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो ये अपना चौथा और आखिरी स्टॉक था जिसमें अच्छी रैली आ सकती है तो गाइज मैंने आपको टोटल चार स्टॉक बताए पहला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस जो इसमें आपको करना क्या है कंडीशनल बाइंग करना है वेट एंड वॉच करना है उसके बाद हिंद पेट्रो को ओपन प्राइस पे पोजीशन बनानी है ग्रेन्यूल्स को गिरावट पे बाय करना है और महिंद्रा महिंद्रा को भी गिरावट पे पोजीशन बनानी है तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो गाइज थैंक यू वेरी मच बब्बा टेक केयर कल मिलते हैं नए वीडियो में बब्बा टेक केयर